उन पर पूरा अधिकार होगा कि वो स्कूल का उद्धार करें, इसी आशा और विश्वास के साथ। हेलो, मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का जी बोरा साहब के लिए नई मिसाल कायम की है। ऐसी बात करें, यह धरती धन्य हो गई है कि इस पावन माटी से इस तरह के हीरे निकले हैं और इस तरह के सरकारी विद्यालयों से ऐसे हीरे निकले हैं जो आज हमारे बीच में उपस्थित है। कपड़े दिखते हैं, बेल्ट दिखता है, टाई दिखता है। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिख इस विद्यालय में परिवर्तन कर इस विद्यालय को अग्रणी राजकीय विद्यालय की श्रेणी में खड़ा करना है। भवानी मंडी जो कि राजगीतो कार्यक्रम का ये विद्यालय ऐसे अनेक राज आगाज करते हैं और अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी के वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि भवानी मंडी नगर पालिका के अध्यक्ष सम्माननीय एनआर जी बोरा साहब आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी महोदय, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भाई साहब नारायण सिंह जी, श्री कारूलाल जी और बहत्तर तिहत्तर बेच की हमारी अलुमनी श्रीमान के राठी साहब, डॉक्टर साहब भवन के मंत्री, नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री अनिल जी वर्मा साहब और स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुरेश जी मालवी, भवानी मंडी नगर पालिका के सम्मानित और उसमें जिन महानुभावों जिन शख्सियतों को हमने बुलाया वो तुरंत हमारी एक निवेदन पर यहाँ पर उपस्थित हुई। ये विद्यालय आजादी के पूर्व सन 1931 से संचालित, भवानी मंडी नगर का एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसका कोई शख्स इस विद्यालय से लाभान्वित नहीं हुआ। आज वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो इस विद्यालय में 2000 बच्चे छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, करीबन 1525 छात्र और 475 छात्राएं इस विद्यालय में अध्ययन कर रही हैं। इस विद्यालय के कायाकल्प का प्रादुर्भाव मुख्यतः पिछले 4 सालों में हुआ। 3 वर्ष पूर्व जब 72-73 के इस विद्यालय के पूर्व छात्रों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, अपने परिवार सहित वो 4-5 दिन तक भवानी मंडी में रुके, गेट टूगेदर कार्यक्रम किया, भवानी मंडी में जुलूस के निकाला और इस विद्यालय में आए पधारे और जो पूर्व गुरुजन यहाँ पर मौजूद थे उनके चरणों में बैठ के थोड़ी देर अपने बचपन को याद किया, निश्चित रूप से वो समय बड़ा उल्लेखनीय है। कालांतर में राजकीय विद्यालयों के प्रति समाज में जो एक सोच डेवलप हुई थी कि राजकीय विद्यालय तो राजकीय होते हैं, राजकीय विद्यालय में क्या है, निजी विद्यालय बेस्ट होते हैं, इस प्रकार की एक सोच भवानी मंडी में भी डेवलप हुई। लेकिन 4 वर्ष पूर्व हमारे स्थानीय विद्यालय के व्याख्याता जो अभी एंकरिंग कर रहे थे श्री जितेंद्र जी खंडेलवाल और कुछ साथियों ने मिलकर एक प्रयास, एक नवाचार इस विद्यालय में किया अंग्रेजी माध्यम से विद्यार्थियों को अध्यापन करवाने का, जो अभी आपने देखा होगा राज्य सरकार द्वारा भी अभी के बजट में 1200 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जा रहे हैं, वो शुरुआत हम 4 वर्ष पूर्व अपने स्तर पर विद्यालय स्तर पर यहाँ पर कर चुके हैं। वर्तमान में कक्षा 11-12 में साइंस और कॉमर्स फैकल्टी में 150 बच्चे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक राजकीय विद्यालय जिसमें 575 रुपये सालाना फीस लगती है, उस 575 रुपये सालाना में वो बच्चा अपनी कक्षा 12 की अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पूर्ण करता है और पूर्ण ही नहीं करता, इस जिले के अंदर सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है बोर्ड की परीक्षा में।
पिछले चार वर्षों में जो परीक्षा परिणाम अगर अंग्रेजी माध्यम का देखूंगे तो 100% एक भी बच्चा कोई सप्लीमेंट्री नहीं है, किसी के कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, इस नगर की बहुत बड़ी उपलब्धि। कुछ 72-73 के विद्यार्थियों का तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत अच्छी परंपरा आपने स्थापित की। सर्वप्रथम जब आप आए विद्यालय में और आपने कहा हम 1,00,000 रुपए साल इस विद्यालय को देंगे इस विद्यालय के विकास के लिए, और वो 1,00,000 रुपए की घोषणा ऐसे शुभ मुहूर्त में हुई कि कारवा आगे बढ़ता गया, वो 1,01,15,000 में कन्वर्ट हुए, और आप लोगों ने कहा कि अगर एक मॉडल क्लासरूम बने और वो सरकारी रूप में नहीं बनके विधिवत रूप से बने और जिसमें पूरी देख रेख हो, एक पैसा वेस्ट नहीं जाए, तो हम आगे भी सोच सकते हैं। और वो एक कमरा, वो एक मॉडल क्लासरूम, 1,15,000 रुपए जो आपने दिए थे, जो मुख्यमंत्री जन सहभागिता कोष में जमा कराकर ज्यादा पैसे वहां से आए, 2,50,000 पैसे हो गए, उसका लोकार्पण आज होने जा रहा है। और फिर आपने उस कारवा को आगे बढ़ाया और आज 9 कमरों के लिए आपने करीबन 12,00,000 रुपए और दिए, और 12,00,000 रुपए 30,00,000 रुपए में कन्वर्ट हो गए। और 1 साल बाद 2 साल बाद आप देखना इस विद्यालय का कायाकल्प बेहतरीन से बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में जिस प्रकार की कक्षा कक्षा आपको नहीं मिलेंगे, उससे भी बेहतर संसाधन और सुविधायुक्त ये सीएनआरपीला कोटा विद्यालय होगा। इसके लिए विद्यालय परिवार बिल्कुल नतमस्तक है इस एलुमिनी के प्रति। इतनी बेहतरीन सोच अपनी माटी के प्रति अगर हर व्यक्ति रख ले तो निश्चित रूप से देश का विकासशील देश का विकसित देश होने में कोई समय नहीं लगेगा। इसके साथ ही और कई लोगों ने बढ़ के हमें सहयोग किया। श्री कमल जी सुरेखा साहब यहाँ पर विराजमान है, आपने अपने पिताजी की स्मृति में 1,00,000 रुपया हमारी रसायन प्रयोगशाला के पुनरुद्धार के लिए दिया। श्री राजेश जी नाहर, उन्होंने अपने पिता की स्मृति में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। किसी ने ट्री गार्ड दिया, कई सारे लोग धीरे धीरे कारवा बन रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये जो पोतदार विद्यालय है, ये पोतदार विद्यालय राजस्थान के 5वें नंबर का विद्यालय है, हाड़ौती का पहला विद्यालय है नामांकन की दृष्टि से, स्टूडेंट एनरोलमेंट की दृष्टि से हाड़ौती का पहला स्कूल है। एक जमाने में कोटा का मल्टीपर्पज स्कूल और केधुन का स्कूल हुआ करता था, उन स्कूलों को पीछे छोड़ता हुआ ये कोटा स्कूल सर्वाधिक छात्र संख्या वाला विद्यालय है। और राजस्थान के 5वें नंबर का विद्यालय, 4 विद्यालय और इससे अधिक संख्या में है, 2 भीलवाड़ा के है, 1 बीकानेर का है और 1 कैयूर का है। 5वें नंबर का विद्यालय हमारे नगर का नाम रोशन कर रहा है। परीक्षा परिणाम की अब यहाँ के अध्यापक क्या करते हैं वो दृष्टि, उसका जो परिणाम है वो बोर्ड परीक्षा परिणाम से परिलक्षित होता है। बोर्ड परीक्षा परिणाम आप विगत 10 वर्षों के देख लीजिए, 90%, 95% यहाँ के बच्चे पास होते हैं, जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम रहता है। और जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, चाहे वो गार्गी पुरस्कार हो, चाहे वो मेधावी बच्चों को कालीबाई स्कूटी योजना हो, चाहे लैपटॉप योजना हो, इस जिले के अंदर अगर 100 लैपटॉप बनते हैं तो 50 लैपटॉप पोतदार स्कूल के हिस्से में आते हैं। 50 लैपटॉप यहाँ के बच्चे प्राप्त करते हैं, अगर 100 लैपटॉप जिले के अंदर बनते हैं, तो ये आप सबके लिए बड़ा खुशी की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है। और मैं इस अवसर पर अभी फिलहाल में जो हमारे प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण करे हुए श्री सुरेश जी मालवी, इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। पिछले 4 माह से आपने इंचार्ज प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार संभाला, और चूंकि आप इसी विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं, आप और मैं दोनों जिस कमरे का आज उद्घाटन होने वाला है इसी कमरे में बैठ के अध्ययन किया करते थे, तो आपका जो विजन है इस विद्यालय के प्रति, आप सुबह 8 बजे आ जाते हैं, शाम को 6 बजे तक अनवरत यहाँ पर लगे रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, आपके पैरों में भी दर्द होता है। मैं कई बार आपसे कहता हूँ कि थोड़ा आराम कर लिया करो, इन्होंने कहा नहीं अवसर मिला है, ये अवसर बार बार नहीं मिलता, मुझे भी सेवा करने का अवसर मिला है, कृपया मुझे सेवा करने दे। ऐसे उच्च विचारों वाले धीरे धीरे अध्यापक यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और पुराने अध्यापकों की तो क्या बात करूँ, उनका नाम भी जब जहन में आ जाता है तो अपने आप ही मस्तक झुक जाता है। ऐसी अद्भुत विधाएं, अद्भुत मेधावी
शिक्षक इस विद्यालय में अध्यापन करके उस स्वर्ग को सुधार चुकी है, कुछ अपना अंतिम समय व्यतीत कर रही है, उन सबको इस अवसर पर याद करता हूँ, नमन करता हूँ, धन्यवाद, जय। तो करना मैं भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ। सन 1965 में बालोराम घासीदास अग्रवाल ट्रस्ट जो है, शेठ घासीलाल जी ने इस विद्यालय के बच्चों के लिए एक छात्रावास के रूप में पूरी बिल्डिंग डोनेट की, जिसकी रजिस्ट्री विद्यालय के नाम पे करवाई गई थी। और इस कोरोना काल से कुछ समय पहले तक उसमें विद्यार्थी छात्रावास के रूप में उसका उपयोग भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, वो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त होने के बाद उसमें भी विद्यार्थी नहीं रह रहे हैं। यदि उस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार हो जाए, उस बिल्डिंग का पुनरुद्धार हो जाए, तो वहाँ पर, क्योंकि हमारे इस विद्यालय के अंदर पिड़ावा, डोरी, कोटड़ी, चोमेला, गंधार, इधर से आप स्वासड़ा, बोरदा, भेसोदा, कई दूर दूर के विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करते हैं, किराए का कमरा लेते हैं। सभी बच्चे सामाजिक न्याय विभाग के छात्रावास में नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाते ना, वो एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं। तो उन बच्चों को अगर रहने के लिए जमीन हमारे पास बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, भवानी मंडी में, सिंधी मोहल्ले में, वहाँ पर अगर उसका पुनरुद्धार में, उसके जीर्णोद्धार में अगर कहीं से कोई अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके MLA फंड, सांसद फंड या नगर पालिका चेयरमैन साहब यहाँ पर विराजमान है, उनके द्वारा या जन सहयोग से, कुछ विद्यालय सहयोग से, जैसे भी अगर कुछ हो पाए, प्रशासनिक अधिकारी महोदय यहाँ पर विराजमान है, आप अपने प्रभाव से कहीं से भी कुछ अरेंजमेंट होंगे, उस विद्यालय का, उस छात्रावास का यदि पुनरुद्धार हो जाए और वो छात्रावास वापस उन बच्चों के रहने के लायक बन जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि कुछ समय पहले भी कहा जाता था, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ विराजमान है, श्री कैलाश जी बोरा साहब, जो ट्रस्टी बनी थी राजकीय विद्यालयों के प्रति, वो ट्रस्टी धीरे धीरे बदल रही है। और मुझे बड़ा गर्व है कि आपकी पोती भी इस विद्यालय की मेरी कक्षा की छात्रा है। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय की पोती भी इसी विद्यालय की छात्रा है। आप उस नाते भी सही, अपने पोती के नाते भी सही, हमारे विद्यार्थी की हसरत के नाते सही, कहीं से कुछ करके और यदि उस छात्रावास का जीर्णोद्धार करा पाए, तो आप सभी की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। और पत्रकारगण, मैं चूंकि आप जहां पर से लेकर 72 तक के राठी और उनका मित्रगण जो यहां बैठे हुए हैं, आपकी जगह ही बैठा करते थे, यहीं खड़े होकर प्रार्थना किया करते थे। एटलीस्ट मुझे अपना वाक्य क्वेश्चन याद है, आप तो एटलीस्ट कम से कम टेंट के नीचे तो बैठे हैं, हम तो गर्मी में खड़े होकर यहाँ पर सभी चीजें प्रार्थना वगैरह करा करते थे। अगर आज हम जहाँ हैं, आप अगर यहाँ आना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक दृढ़ निश्चय करना होगा। मेरा मानना है, देयर इज नो नथिंग लाइक एन अ प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, नथिंग लाइक अ फैसिलिटी। हम में से, हमारे मित्र घरों में से बहुत सारे मित्र, हम नूतन स्कूल की चाट पट्टी पर से पढ़कर आए हैं, फिर इस स्कूल के अंदर पढ़े हैं। हमारी आत्मा आज भी, जब भी हम यहाँ आते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी आत्मा यहाँ बसती है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस चक्कर को छोड़ दें कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आपका दृढ़ निश्चय है, तो आप किसी भी स्कूल से पढ़ते हैं, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है, ये निश्चित मान के चलिए। मुझे जब भी, मैं कुछ अतिशोक्ति होगी अगर मैं अपने 2-3 प्रिंसिपल साहब का नाम नहीं लूंगा, नूतन स्कूल में मुझे आज तक याद है कि राम गोपाल जी शर्मा साहब जो हमें पढ़ाते थे, आप लोगों को तो वो ट्रेंड चला गया, वरना तो एक बेद साथ में रखते थे उसके बाद पढ़ाते थे, अब तो टच करने का भी कोई नियम नहीं बचा है। यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ, मेरे पहले प्रिंसिपल साहब श्री श्रीनाथ जी विजय की आवाज आज भी मेरे मित्रों के कानों में गूंजती होगी, मेरे मिट्टी के शेर क्या कर रहे हो। तो मेरा मतलब ये है कि आपका लगाव जो होगा, आपका दृढ़ निश्चय होगा, उससे आप आगे बढ़ेंगे। KK राठी यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताएगा,
किस तरह से हमने एक दिन 72-73 बेच की, हमने मीटिंग रखी, हम आए, प्लान किया, फिर हमारे दिमाग पे आया कि जो अभाव हमने देखे थे उन अभावों को थोड़ा, फिर उसके बाद हमें लगा सिर्फ स्कूल बेंचमेंट से काम नहीं चलेगा, हमने एक ट्रस्ट बनाने की सोची जो भी भवानी मंडी से यहाँ से पढ़कर दुबई भी है, और ट्रस्ट बनाने के बाद फिर हमने सोचा कि पहले देखते हैं कितना पैसा कलेक्ट होता है, पर मुझे लगा सिर्फ मोटिवेशन की देर थी और इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि मेरा मानना है इनके प्रयासों से इसी साल में हमने पैसा जमा कर दिया है और अगला वार्षिक उत्सव नए रिनोवेटेड स्कूल में होना चाहिए। ये गोरा साहब की जवाबदारी है, पैसे हम ऑलरेडी जमा कर चुके हैं, फाइल जयपुर तक मूव कर चुकी है और सारा रिनोवेशन इसी कमरे की तरह, सारे कमरों का रिनोवेशन उसी तरह का हो जाना चाहिए जितना हम पैसा जमा कर चुके हैं। उसके पहले भी हमारे ट्रस्ट से मिलकर मतलब हेल्थ जिम का जो पार्क में बुक किया था वो किया, सैनिटाइजेशन वगैरह जब भी यहाँ पर कोई विपदा आई है कोशिश करी है, एके राठी हमेशा यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, ये सब करने की कोशिश की है। एक और मैं सूचना देना चाहता है हेल्थ जिम साहब को, करता बैठे हुए इनके माध्यम से सावरेकर साहब होगा, अब हमारा एक जो प्लान है इस ट्रस्ट का जो प्लान है वो प्लान हमने ये किया है, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने, हम इसी साल से एक आपको क्या कैरियर चुनना चाहिए, कई बार ये नहीं पता होता है कि कैरियर की काउंसलिंग कैसे करें, क्योंकि जिस उम्र में आप थे हम भी ऐसे ही थे, हमें किसी ने कहा मेरा दोस्त अगर साइंस ले रहा है तो मैंने भी साइंस ले ली, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैंने भी कॉमर्स ले ली, लेकिन अब जमाना बदल गया है और आपको जमाने के साथ चलना है, तो हम दो तीन चीजें और भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से चालू करना चाह रहे हैं। पहला कैरियर काउंसलिंग, हम 9th और 10th के स्टूडेंट्स का कैरियर काउंसलिंग करेंगे, उसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि भवानी मंडी में रखा जाएगा, जो कि फ्री ऑफ चार्ज रखा जाएगा, और उस एप्टीट्यूड टेस्ट से एक आइडिया आपको लग जाएगा, माँ बाप को एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे बच्चे को कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, और ये एप्टीट्यूड टेस्ट इस बार क्योंकि समय हमको नहीं मिला कोरोना की वजह से, प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर हम 9th-10th के स्टूडेंट के लिए एक ये टेस्ट रखने की कोशिश करेंगे, और हर साल हम ये टेस्ट दिसंबर के महीने में 9th-10th के स्टूडेंट के लिए रखेंगे। दूसरी बात, जो भी 10th और 11th के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनकी कोचिंग की व्यवस्था हम प्लान कर रहे हैं कि 4 से 6 स्टूडेंट जो कि साइंस में, मैथ में, कॉमर्स में अगर जाना चाहते हैं और वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो कि हम यहाँ के प्रधानाचार्य साहब की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ये कोचिंग, क्योंकि वो कोचिंग ले नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल कंडीशन, तो हम ट्रस्ट की तरफ से जवाबदारी लेंगे कि उनकी कोचिंग की व्यवस्था का जो भी खर्चा होगा उसको हम वहन करेंगे। इतना ही नहीं, हमने एक और प्लान किया है कि कोई भी बच्चा जो यहाँ से स्कूल का है, चाहे वो किसी भी गांव का हो, पर स्कूल से पढ़ता हो, गर्ल्स स्कूल से पढ़ता हो, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतनी सारी छात्राएं लिख रही है, हमारे जमाने में सिर्फ 4 छात्राएं इस स्कूल के अंदर, तो गर्ल्स स्कूल, चाइल्ड स्कूल का जो भी बच्चा एक बार किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में अगर सेलेक्ट हो जाता है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या एडवोकेट लाइन के अंदर, या प्रीमियम कॉलेज के अंदर सेलेक्ट होता है और वो इकोनॉमिकल कंडीशन अगर नहीं परमिट करती है, तो आत्मा में यह आवाज आई कि देश के गरीब तबके के लोग किस प्रकार अभाव में जी रहे हैं, उनके साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की बुलंद आवाज को बुलंद करने के लिए उस बच्चे ने अपना रुख प्रशासनिक सेवा के लिए कर लिया, और किसान परिवार का वो हिंदी मीडियम का बालक आज हमारे बीच में आईएएस के रूप में, उपखंड अधिकारी भवानी मंडी के रूप में उपस्थित है। मैं ऐसे पूछना चाहती हूं राम प्रकाश जी, आईएएस आपको निवेदन करूंगा कि आप इस सरकारी स्कूल से आपने क्या पाया है, इन
बच्चों को बाहर प्रैक्टिस करें ताकि आने वाले समय में भवानी मंडी का ये स्कूल निकल चाहिए दे सके। बहुत आदर के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानी मंडी में आयोजित वार्षिक समारोह में मंच पर उपस्थित सभी अतिथि 72 के अंदर के छात्र छात्राएं, विद्यालय परिवार एवं सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बधाई देता हूं। मैं दो तीन बेसिक बातें ही बताऊंगा क्योंकि अभी तक जितने वक्ताओं ने बोला बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली। मुझे शायद इतना अनुभव नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं अपनी जितना भी मेरे 30 साल की जीवन है उसके आधार पर मैं दो तीन बेसिक चीजें बताऊंगा। पहली तो ये चीज है कि केवल स्कूल में ही हम नहीं सीखते हैं। आपने शायद छठी या सातवीं कक्षा में देखा होगा कि परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। हम अपने 24 घंटे में से ज्यादा समय 17-18 घंटे परिवार में बिताते हैं। तो हम जो परिवार में जैसा माहौल रहता है उससे हम मुझे लगता है बहुत ज्यादा सीखते हैं कंपेयर टू अगर हम स्कूल में 5-6 घंटे 7 घंटे बिताते हैं। ठीक है, तो अगर परिवार में मान लीजिए आपका पिता शराबी है, आपकी माता जी का करेक्टर अच्छा नहीं है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो हमारी जो पहले 5 से 6 साल की जो शिक्षा दीक्षा होती है वो हमारे परिवार में होती है और उसके बाद फिर हम स्कूल आते हैं 10 से 12 साल का जीवन व्यतीत करते हैं। तो स्कूल में कैसा माहौल है, कैसा कल्चर है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम क्या सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो किताबों में पढ़ रहे हैं वही चीज़ें सीखते हैं। अब हमारे अध्यापकों का बिहेवियर कैसा है, विद्यालय में अनुशासन कैसा है। जैसे कि अभी भी कोरोना काफ़ी तेजी से फैल रहा है लेकिन काफ़ी लोगों में आदत बनी हुई है या विश्वास ही नहीं है कि कोरोना जैसी कोई चीज है, तो मास्क को ठीक से नहीं पहनते हैं या मास्क की बात दूसरी है, एक हेलमेट की बात होती है, हेलमेट लोग नहीं लगाते हैं। जबकि आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि 2 बाइक में एक्सीडेंट हुआ और 3 लोग मारे गए। अगर उसने हेलमेट लगाई होती तो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ भी हो सकता था। हो सकता है उसका पैर थोड़ा टूट जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है कि अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है। सुख सुविधाएं तो अलग चीज है लेकिन अनुशासन अगर आप में है, आपके खुद में अनुशासन है, आपके परिवार में अनुशासन है, तो आप बहुत लंबा जा सकते हैं। मैंने जो 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की उसमें 2 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की और 10 साल सरकारी स्कूल में किया। तो वहाँ पर भी ऐसे कुछ ये नहीं था कि टीचर बहुत ही हाई फाई थे या फिर कोई सुख सुविधाएं थी, लेकिन एक अच्छी चीज थी कि वहाँ पे अनुशासन बहुत अच्छा था। ठीक है, तो अनुशासन के कारण ही बच्चा वो सीख पाता है और पूरी लाइफ हम वो एंजॉय कर पाते हैं। जो हमारी उम्र होती है 15 साल 18 साल, उस समय में हम जो सीखते हैं वो पूरे लाइफ लॉन्ग रहती है। अगर हम 15 साल में 18 साल में हम अच्छा नहीं बन पाए, मतलब हमारा मिजाज बिगड़ गया, हमारी संगत गलत पड़ गई, तो उस चीज़ को सुधारना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सिर्फ किताबी ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है, जीवन में अनुशासित कैसे रहें, नियमों का कैसे पालन करें। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अनुशासित हैं, अगर आप एक अच्छे नागरिक के तौर पर एक जानकारी रखते हैं, तो मेरे ख्याल से अपना योगदान दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप सबको IAS ही बनना है, सबको इंजीनियर ही बनना है, सबको डॉक्टर ही बनना है। आज के 50 साल पहले स्थिति कुछ और थी, जहाँ पर पढ़ाई मतलब एक मिडिल क्लास के लिए पढ़ाई करना ही एकमात्र विकल्प था, लेकिन आज के टाइम पे आपके पास अलग अलग माध्यम से आप आगे जा सकते हैं। आप खेल के माध्यम से, आप कला के माध्यम से आप अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। आज के 50 साल पहले मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होता था। तो इसके साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हम हमेशा जब कोई सफल हो जाते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि विराट कोहली इंडिया के सबसे मतलब बेस्ट क्रिकेटर है अभी। ठीक है, या रोजर फेडरर है जो कि दुनिया के सबसे फिट आदमी है, राफेल नडाल है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए वो जब मेहनत कर रहे होते हैं तो वो कितना पसीना बहाते हैं, वो किसी न्यूज़ चैनल पे, किसी टीवी पे, किसी ऐसी जगह पे नहीं दिखाते। ठीक है, तो आपको सिर्फ सक्सेस के बाद वाली जो कहानी है ना उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसके पहले उन्होंने कितना मेहनत किया होगा। मतलब विराट कोहली जैसे लोगों को कितना घंटे कितने घंटे पसीने बहाने होते होंगे तब जाके उतनी फिटनेस होती होगी। ठीक है, नहीं तो वो दिख ही नहीं पाएंगे। 130 करोड़ लोगों में टॉप 11 में आना फिर उसके बाद उस चीज़ को मेंटेन किया रहना ये बहुत ही आम बात नहीं है। तो अगर उसकी तुलना में हम कहें कि हम IAS बन गए, हम RAS बन गए, हम तहसीलदार बन गए या हम नगर पालिका अध्यक्ष बन गए, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है।
ठीक है, ये जो लोग 11 लोग हैं 130 करोड़ होंगे, तो ये अपना फिटनेस मेंटेन करना, फिर अपना वो परफॉर्मेंस लगातार 10 साल 15 साल मेंटेन कर पाना बहुत ही बड़ी बात होती है। आप उनके शेड्यूल को भी उठा के देखिएगा, उन लोग कैसे कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, तो फिर आपको उनके अनुशासन का पता चलेगा वो कितने मेहनती क्यों नहीं है। अगर उनमें डिसिप्लिन नहीं है ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दो तीन बातें ही मैं कहूँगा कि सुख सुविधाएं तो अलग चीज़ है, मतलब मैं मानता हूँ कि आज के 5 साल बाद ये स्कूल अभी जो है इससे बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एकदम हो सकता है चमकता धमकता दिखे, लेकिन उसका माहौल एक अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत ही नहीं करते हैं, तो उन सुख सुविधाओं का कोई मतलब नहीं है। आप आगे तब पढ़ेंगे जब आप अपने बारे में जानेंगे कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे मैथ्स लेना है, मेहनत करेंगे उस अनुसार तभी आप पढ़ सकते हैं। सुख सुविधाओं का थोड़ा बहुत ही रोल है, लेकिन ज्यादा रोल इस बात का है कि आप कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इस पर ज्यादा नहीं सोचते हुए आप मेहनत कीजिए, और जैसा कि काम ये कैरियर काउंसलिंग वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, उन सब चीज़ों का बहुत फायदा उठाइए, ताकि इधर उधर भटकने की फिरने की बजाय अपना जो एक रास्ता चूज कीजिए और उस पर आगे बढ़ते जाइए। आप मेहनत करेंगे, अनुशासित रहेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना आगे निकल गए। मतलब 2-3 साल अगर आपने लगातार मेहनत कर ली तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे डॉक्टर की फील्ड हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम करेंगे आराम से। आपके पास बहुत सारे मौके हैं, अभी आप तो स्किल सीखिए, आप मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। आप करेंगे आप सब काफी सारे लोग विद्यार्थी और अब तैयार हो पाए एक शानदार युवा की अपनी मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों हुआ किसने
तकलीफ है, क्या मजा, ना संघर्ष ना तकलीफ है, क्या मजा है फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित है समाज सेवी समाने के राखी जी। मुख्य अतिथि सरल शहर मनोज चौधरी कैलाश बोहरा साहब आधुनिक कक्षा लोकार्पण के मौके पर इकट्ठे हुए हैं। किसी भी स्कूल का वार्षिकोत्सव बहुत अहम दिन होता है। उस स्कूल में के लिए कई प्रायोजन होते हैं, वर्ष भर का लेखा जोखा क्रियाकलापों का इस कार्यक्रम के अंदर आकलन होता है। साथ ही हर वर्ष स्कूल की शिक्षा पूरी करके जाने वाले छात्रों का विदाई समारोह भी होता है। मैं ऐसे सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ और साथ ही सभी स्कूल छात्रों को वार्षिकोत्सव के लिए बधाई देता हूँ। सन 72-73 में इसी तरह कुछ विद्यार्थी समूह सन 72-73 में एक विद्यार्थी समूह स्कूली शिक्षा पूरी कर अपने भविष्य को संवारने के लिए निकले थे, लेकिन इस मातृभूमि और इस स्कूल से अपने पन की वजह से आज 48 साल पूरे होने के बाद भी वो बच्चे वो इस विद्यार्थी समूह वापस किसी स्कूल की ओर खींचा चलाया। आज से 3 वर्ष पहले हम 3 मीटर कोना में बैठ के चाय पी रहे थे। डॉक्टर मोहन मंत्री Yeah.
जाकर रोती है जोरदार तालियों के साथ इन बेटियों का उत्साह वर्णन करें। तो उसकी राख और अस्थियों का वजन कितना होता है? मैंने कहा 2 से 2.5 किलो। तो देख लीजिए, ना लंगोट में जेब है, ना कफन में जेब है, ना वजन पहले बड़ा था ना बाद में बड़ा है, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। जो कुछ न्याय कर दिया वही अपने साथ जाना है और उसी की प्रसिद्धि और उसी की गरिमा आपके साथ चलती रहेगी। और इसलिए आपके गांव, शहर, स्कूल और विद्यालय के लिए यदि आपने कुछ कर दिया तो आपका जीवन सार्थक है, वरना ये मनुष्य योनि बेकार है। तो 2 शब्दों के साथ इन भामाशाहों का स्वागत करता हूँ कि इस जमीन व जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा, और इस जमीन और जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा, खाली हाथ आया तू खाली हाथ जाएगा, और खाली हाथ आया तू खाली हाथ जाएगा। लाखों करोड़ों की गाड़ी और बंगला यहीं पड़ा रह जाएगा, लाखों करोड़ों की गाड़ी और बंगला यहीं पड़ा रह जाएगा, माटी का यह खूबसूरत पुतला एक दिन माटी में मिल जाएगा। माना सिकंदर के हौसले तो आली थे, माना सिकंदर के हौसले तो आली थे, मगर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे, मगर दुनिया से दोस्त गया तो दोनों हाथ खाली थे। तो हमारे सिकंदर स्वरूप इन भामाशाहों के सम्मान के लिए मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे सिकंदर स्वरूप भामाशाहों को इस विद्यालय से सम्मानित करें। सम्मानीय के राठी जी, जिन्होंने आधुनिक कक्षा कक्ष बनाने में भरपूर सहयोग किया, और राजेंद्र जी गुप्ता के साथ उनके साथ सबसे रोशाला इतनी सुसज्जित और सुंदर है जो शायद झालावाड़ जिले में कहीं नहीं है। सम्मानीय सत्यनारायण जी तिवारी साहब जी, जो पूर्व व्याख्याता है इस विद्यालय के, उन्होंने विद्यालय को जल मंदिर समर्पित किया है। एक डांस आया है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। जब ट्रेलर इतना खूबसूरत होगा तो पिक्चर कितनी सुंदर होगी सोच लीजिए आप। ये पोर्टार स्कूल का प्रोग्राम है, कोई छोटे मोटे स्कूलों की खेल और निशात नहीं। जहां एक गांव में जितनी जनसंख्या होती है उतने विद्यार्थी तो इस स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत आनंद से प्रोग्राम का आनंद है, बहुत मन से प्रोग्राम का आनंद है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, आवाज के साथ साथ पता चले ये युवा शक्ति कितनी शक्तिशाली है। चंदी वर्मा, खूब चंदी वर्मा साहब। एंट्रेंस को अति खूबसूरत बनाने के लिए वाशिंग तोलिया और चंपा के पेड़ लगने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा किसी 5 सितारे खिल है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जाऊँगा तेरे खेतों। यहाँ पे वार्षिक उत्सव के साथ साथ ही बाबा जी सम्मान आधुनिक जो कल कक्षा कक्ष खुशी अतिथि श्री नरसिंह जी चौहान साहब, मेरे साथी छोटे भाई श्री अनिल जी वर्मा साहब, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। छात्र छात्राओं, और मैंने मेरी पोती जो अनुष्का है उसको भी इसी स्कूल में पढ़ रही है, वो 11वीं से 12वीं तक। जब हम छोटे थे वो हमारे में समिति बनी है, विकास समिति जो यहाँ पे हमारे स्कूल में बहुत बड़ा योगदान दिया, चारों कार्यक्रम किया, तो मैं भी उन्हीं छात्रों में से मैं भी इनके साथ साथी था कि आप तो छाए मिल रहे, और इसी जगह हम धूप में खड़ा हुआ करते थे, और यहाँ पे सामने हमारे आलोक जी विजावत है, इनके पिताजी भी हमें प्रार्थना कराते थे, ललित जी थे कई देर से कर, और 5 साथ ही हमारी बहनें थी स्कूल, सब छात्र साथ ज़्यादा स्कूल, बॉयज स्कूल था, कल स्कूल अलग था। और इसी तरह जो अभी हमारे इस स्कूल से कई ऐसी हस्तियाँ निकली है जो जैसे हमारे राजेश जी अमेरिका में बैठे हैं, आपने स्वर्ण सिंह जी पाटन है, और मोहन जी मंत्री आज कोटा में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आकांक्षा हॉस्पिटल है, मैत्री हॉस्पिटल है, दो दो हड्डी का भी है, मस्तिष्क का भी है, ऐसे कई तरह के चिकित्सक हैं। ओम जी गुप्ता है, त्रिलोक जी कांटीवाल मेरे साथी हैं, मनोज जी हैं, और हमारा ओम जी शंकर दिल्ली विराज रहे हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं,
खिला दिए राजनीति गांव में। ऐसे हमारे कई साथी थे जो मेरे साथ पढ़े, हम पांचवी तक उनके स्कूल में पढ़े, उसके बाद पांचवी के बाद हम यहाँ पे पढ़े और हमारे यहाँ पे हॉकी के बहुत बढ़िया प्लेयर खेल होता था। उसके अंदर हमारे झाला साहब हैं, पीटीआई साहब थे, तो भी हमारे यहाँ पे जो स्विमिंग पूल के अध्यक्ष हैं गुप्ता साहब, मदन लाली साहब का प्रणाम देंगे। यहाँ पे हॉकी के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, हॉकी की बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी, राजस्थान अपना नाम करती थी। तो छात्र छात्राओं, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। बताया गया है काशीलाल धर्मशाला के ट्रस्ट ने, मैं जब छोटा था मेरे को सामने वो और सिंधी मोहल्ले में वहाँ पे हमारे एक मकान इलाट किया गया था छात्रावास के रूप में, उसकी सफाई के लिए मैं स्वयं साथ गया था। वहाँ इतने बोर के पेड़ थे छोटे छोटे, हम निकालते थे काटते थे उनको, तो मेरे हाथों में तक कांटे घुस गए थे। हमने पूरे स्कूल की जो छात्रावास बना था स्कूल का, उसकी मैंने खुद ने स्वयं ने मेरे साथियों ने मिलकर सामने सफाई की है, उसे रहने लायक बनाया। उस टाइम मजदूर स्कूल का फंड होता था, हम खुद मेहनत करते थे, हमारे स्कूल के छात्र स्कूल के फील्ड की हम सफाई करते थे, सारे लोग हम करते थे। प्रार्थना स्थल पर तीन शेड छात्रों के लिए अलग अलग जो टॉयलेट की छात्रावास का जो पूर्ण निर्माण, जो हमारे मैं बताता हूँ कि हमारे राजस्थान सरकार ने 10% सहभागी योजना के अंदर ये दान रहते थे, स्कूल 10% देगा, 90% योजना में सरकार से आता है। अगर नगर पालिका के माध्यम से देंगे, जिस भी डिपार्टमेंट दे दो, नगर स्वशासन से शांति धारीवादी देंगे, और पीडब्ल्यूडी एजेंसी के माध्यम से अगर काम कराएंगे तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उस विभाग से उस फंड को अलाट करेगा। तो अभी मेरे को अभी यहाँ पे जो हमारे ट्रस्ट है, इनने अभी कुछ पैसे दिए पूरे मकानों का नवीनीकरण, स्कूल के कमरों का नवीनीकरण के लिए, तो इनने जो पैसा जमा करा है, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा पूरा कांग्रेस का प्रतिनिधि राम सिंह जी साहब, वाइस चेयरमैन साहब, नगर अध्यक्ष जी, हम सब जयपुर जाके जल्दी से जल्दी इस फंड को रिलीज करा के लाएंगे, ताकि आपका बहुत जल्द से जल्द जो आपका एक कमरा है पूरा भव्य स्कूल आपका कंप्यूटराइज हो जाएगा, एसी हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे शौचालय की यहाँ पे समस्या है, तो मेरा मालूम हुआ कि यहाँ पे पानी की चिंता भी जो भी यहाँ पे समस्या है, तो अभी स्कूल ने नगर पालिका के माध्यम से इतने जमीन दी है और ऐसी शौचालय बना जो यहाँ की जनता के बहुत कम काम आता है, उसका दरवाजा तोड़वा के एक करके इसे पानी की सुविधा युक्त करके उसमें महिला अलग है और जेंट्स का अलग है, तो उसको खोल दिया जाएगा। फिर भी अगर उसके अलावा इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा भी अगर जरूरत पड़ी तो हम बनवा देंगे जल्दी जल्दी। और यहाँ पे जो टीन शेड की इस तरह से आप इसका प्रपोजल बना के भेजें, उसको भी हम जल्दी से जल्द पूर्ण करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और आपके अंदर एक अनुशासन होना चाहिए, यहाँ से संस्कार लेके आप जावें। मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, मेरे टाइम जो सबसे पहले हम छठी में जब आए थे तो हमारे मोदी मंत्री भूल गए शायद कि यहाँ पे मजदूर लख खा जी हेड मास्टर हुआ करते थे, सिर्फ एक इंग्लिश का टीचर थे, इतने बढ़िया टीचर थे। पूरे स्कूल की छुट्टी होने के बाद 5 बजे हमारे स्कूल की छुट्टी होती थी, तो बाहर हमारे गार्डन था स्कूल बिल्डिंग के बाद, इसी गार्डन में हमारे छठी के अंदर पढ़ाते थे। और हमारे 6 महीने में जो उनने इंग्लिश सिखाई वो आज तक हमें याद है। उसके बाद हमने इंग्लिश पढ़ी, 10वीं का हमें इतनी याद नहीं है जो हमें 6 महीने की जानकारी, एक बेद में हाथ रखते थे, बेद रखते थे, अगर हमें याद नहीं होता हम नहीं बोल पाते, इतनी जोर से मारते थे, बड़े प्यार से उसको सेव करते थे, हमें उसको याद करके लानी पड़ेगा। और आज हमारा किसी अगर अध्यापक गुरुजन हमारे किसी बच्चे को मार दें तो उसके अभिभावक मास्टर से गुरुजी से लड़ने जाते हैं, तो भाई ये गुरुजन ने हमारे को संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो हमारे को भी अपना मन बड़ा करके सेन करना चाहिए। अब हमको अनुशासन में रखें, अच्छे से शिक्षा सेने चाहिए। हम हमारा अपने आप को हमारा दुर्भाग्य मानते हैं, हमारे घनश्याम जी मस्ताना थे, उनने यहाँ पे हड़ताल करा के मजदूर लख खा जी हेडमास्टर ट्रांसफर करा दिया, अगर शायद अगर वो यहाँ पे इसी स्कूल में पढ़ाते तो आज हमारा जो आज भविष्य तो और ज़्यादा सब छात्रों को बहुत बढ़िया होता है, इंग्लिश के बढ़िया हमारी हो जाती है। उसके बाद श्रीनाथ जी विजय गुप्ता आए थे हमारे प्रिंसिपल साहब हेडमास्टर साहब, उनने पढ़ाया, और हमारे टाइम तक यहाँ पे सिर्फ 10वीं तक था,
आप सब सौभाग्यशाली था जहाँ पे बात प्रोजेक्ट होगी और आप मेरे कॉलेज भी हो गए। हम यहाँ दसवीं तक ही पढ़ पाए, इसके आगे हम नहीं पढ़ पाए और जो बाहर जा सकता था बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण की। तो बच्चों मेरा आपसे आपका बहुत शुक्र हो, आप अनुशासन में रहें और अपने माता पिता की आज्ञाकारी शिष्य बने, माता पिता का करें, भगवान को प्रणाम करें और आप अनुशासन में और अच्छे संस्कार लेके यहाँ से स्कूल से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके सोच लो मेरे को आज ये बनना, उसी मार्ग पर आप चलोगे मेरे को बन के आना वो दिन दूर नहीं है कि आपका वो विभाग जो अगर आपको पढ़ाते रहते तो शायद आप भी कुछ बन जाते, लेकिन शहर को संचालित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किराजी बोरा साहब। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे बीच में ऊपर समारोह भी रखा गया है और जो ये आधुनिकरण कक्षा का जो उद्घाटन किया गया है कक्षा का, बहुत खुशी की बात है। सम्मानी बंधु, अभी मैं जब हमें मंच पे बुलाया गया तो हमारे श्री खंडेलवाल जी जो संचालक कर रहे थे संचालन, उन्होंने कहा कि मेरा नाम बोलने से पहले उन्होंने कहा कि रणनीतिकार, अब रणनीतिकार अगर हम होते तो वार्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं आते, मेरे तो वही फेल है। नहीं पर ठीक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के कारण पार्टी की जब बागडोर अगर हाथ में होती है तो उसको रणनीति के तहत उस काम को किया जाता है और वही चीज काम आई है। हमारी पार्टी के सभी लोगों ने उस रणनीति के तहत काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, शहर की जनता ने उस पक्ष में मतदान किया और आज जो सम्मानित चेयरमैन साहब आपके सबके सामने अतिथि के रूप में विराजमान है, आप सबकी देन है, जो यहाँ छात्र बैठे उनके परिवार की देन है, अभिभावक की देन है, मैं उन सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। सम्मान समारोह से जो सम्मानित हुए हैं उनसे यही आग्रह है कि वो जो 72-73 जिसने कहा गया उस बैच के यहाँ विद्यार्थी रहे हैं, बंधुओं 78-79 बैच के दिन तक मेरे जीवन में जनहितकारी में परोपकारी में जनता की भलाई के लिए अभी तक मैंने 10 लाख रुपए खर्च किए, वो मेरी पूंजी है। इसके बाद अगर मेरे पास 1 करोड़ का हो 10 करोड़ का हो मेरे किस काम का। तो बंधुओं वास्तव में जिन दानदाताओं ने जिन सम्मान समारोह के जो अतिथि है अपने वास्तव में अवतार यही है, जिन्होंने पैसे का सदुपयोग किया, जो कोई विदेश में रहते हैं जैसा भी यहाँ सुना है कि दोस्त विदेश में रहते हैं, भारत रहता है, कोई कोटा रहता है, कोई दिल्ली रहते हैं। अरे तो मैं भी तो पढ़ा था उधर। आज उस पार्टी में विराम लगा हुआ क्योंकि आज मैंने जल की व्यवस्था देखी कि यहाँ पर विद्यार्थियों की काफ़ी संख्या है, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो अध्यापक है, उन्होंने अपनी मेहनत और प्रयत्न करके इस विद्यालय को जो है प्राइवेट विद्यालय में कल से जो लड़के जा रहे थे उनको वापस इस विद्यालय में ला करके इस विद्यालय का नाम रोशन करने की कोशिश की। और अभी हमारे बताया था उन्होंने हमारे अध्यक्ष जी ने कि हमारा जो विद्यालय इसका नाम पूरे राजस्थान के अंदर अब अच्छे नंबर पर चल रहा है। तो यह इस विद्यालय के लिए जो हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे भवानी मंडी के अंदर ऐसा विद्यालय पूरे झालावाड़ जिले में नंबर 1 पर है। यहाँ के पूरे स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। एक बार मैं आप सभी जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, आपको हमारे प्रवक्ताओं ने जीवन की शैली किस तरह जी करके अपने जीवन को बिताना इसके बारे में आपको सारी जानकारी दी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस तरह हमारे जो अतिथिगण यहाँ विराजमान हैं इनमें सभी इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और आप इस तरह की मेहनत करोगे तो एक दिन फिर आप भी इस मंच के ऊपर कभी कभी यहाँ जो नजर आओगे और देश में विदेश में प्रदेश में आप यहाँ भी जाओ, आप हमारे भवानी मंडी का नाम पर लेकर के रोशन करो, यही हमारे भवानी मंडी के लिए सौभाग्य की बात होगी। आगे हमारे जो 55 करोड़ कार्यक्रम है वहाँ से बार बार फोन आ रहे हैं तो मैं आपका समय कई वर्षों से परंपरा चलती आ रही है कि भारतीय उत्सव में बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, भामाशाहों का सम्मान करना चाहिए। राज्य सरकार की जनित प्रेरणा जो भामाशाह का सम्मान आज इस कार्यक्रम में उपाध्यक्ष अनिति वर्मा के नेतृत्व में युवा टीम है, अभी हमारे पालिका अध्यक्ष नगर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पचपाल कार्यक्रम में गए हैं। मैं बात करता हूँ इसी मंच की, आपकी जो याद थोड़ी ताजा करा दूँ, इसी मंच से मेरी शुरुआत हुई है और ये मंच ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। 93, 94, 95 में मैंने यहाँ पढ़ाई की है और उसके साथ साथ सबसे पहला मंच जो है मुझे अजूबा ग्रुप के नाम से मंच से मिला है और हम लोग कंवर सिंह जी, राजू भाई साहब, अनिल जी, रोशन जी एक सांस्कृतिक टीम बनाकर हम यह कार्यक्रम करते थे और काफ़ी प्रोग्राम हमने यहाँ किए हैं। उसके बाद मैं 5-7 साल के लिए जयपुर चला गया, वहाँ ETV मैंने ज्वाइन की,
फिर वहाँ कई कार्यक्रम राजस्थानी प्रोग्राम किए, इवेंट किए और राजस्थानी झूम जो कार्यक्रम था उसमें मैंने काम किया। फिर कंपनी झूम झूम के नाम जो कि 2003 में ईटीवी की शुरुआत हुई उसमें मैंने डांस कॉम्पिटिशन में 12 लोगों को गोल्डन हाथ से सम्मानित किया और इसी मंच ने आज बहुत कुछ दिया है और मैं सुरेश मालवीय का स्वागत करता हूँ। उन्होंने इस मान सम्मान के लिए हमें बुलाया, साथ ही मैंने ऋषि राठौर, मेरे उचित बड़े भाई साहब राकेश जी थावरिया जो कि अन्नू कपूर के काफ़ी पुराने मित्र हैं, अभी अन्नू कपूर साहब आए थे तो ये आमंत्रित हुए थे, और साथ ही राधेश्याम जी काला जो कि वरिष्ठ नेता है इस शहर के, हेमंत सुमन जो कि युवा नौजवान है, प्रफुल जी शर्मा वो भी एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है। वार्षिक उत्सव समारोह में छात्र छात्राओं ने जो आज इतनी गर्मी में बैठ कर भावनाओं से डायरेक्ट रूबरू होने का जो काम किया है और पूरे जो अध्यापक जो है इस स्कूल के उन्हीं को भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और कहते हैं ना कि कलाकार के मन के अंदर कुछ होता है, कुछ कर गुजरने की चाहत होती है और ऐसी ही चाहत जो है हमारे चित्रकार अनिल जी वर्मा, इनकी पेंटिंग अभी पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जानी जाती है। अभी कुछ रिसेंटली कुछ 3 दिन पहले प्रोग्राम हुआ था नून हॉस्पिटल में क्रिकेट प्रतियोगिता, वहाँ पे सर जी के नून तक होते। बड़ी गहरी लाइन में किशोर साहब ने गाई है और गुप्ता जी भी एक गीतकार हैं, अच्छे लेखककार हैं, अच्छे एंकर हैं, इन्होंने भी काफी कार्यक्रम इस देश विदेश में किया है और शिक्षा का ज्ञान बच्चों को देना है। ये लाइन जो सभी के लिए लाइन बहुत प्यारी है, हमें और जीने तुम्हें देखते से पहाड़ों का मौसम आया हो जैसे, तुम्हें देखते बहुत ही सुंदर है कि बहु की किस प्रकार से सोच आज पाश्चात्य संस्कृति को छू रही है और साथ की जो सोच भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है, इन दोनों संस्कृति के मिलन को किस प्रकार से सार्थक किया जाए इसी संदेश को लेकर पोतर स्कूल की बालिकाएं मंच पर आ रही हैं। बहुत ही सुंदर नाटिका है। खड़ूस सासू और प्यारी बहू, खड़ूस सासू और प्यारी बहू के बीच का संवाद देखिए। तुम्हारी
पड़े। इसके बाद अगला प्रोग्राम शंकर होगा। आप में से
एक ही राउंड में कोई छात्र है जो 50% एक राउंड में लगाएगा। हमारे बीच में मेरे साथी एडवोकेट हरीश जी राठौड़ यहां पर बैठे हुए हैं, वो वकील हैं, पार्षद हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे नगर पालिका में। वो आकर अपने स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे कि शरीर का ख्याल कैसे रखा जाता है। साथियों, हेल्थ इज वेल्थ, और बीच में कुछ छात्रों की आवाज आ रही है, थोड़ा सा अनुशासन बना के रखें। आइए हरीश जी वकील साहब। मस्तिष्क रहता है, अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मेरा ये निवेदन है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इसके साथ ही पढ़ाई का ध्यान रखें, तम्बाकू दारू इन सब चीज़ों से दूर रहे। अभी मैं आपके सामने 100 पुशअप लगा था, मगर लगान और थोड़ा स्वास्थ्य नरम है, मेरी जगह हमारे गुरु जी अनिल वर्मा आपके सामने पुशअप लगाएंगे और आपको दिशा निर्देश देंगे। और इस स्कूल में भव्य स्वागत हुआ मेरा। तो मैं जब स्कूल में आ रहा था तब मेरे शर्ट की एक कॉलर खड़ी हुई थी, तब यहाँ पर स्वर्गीय नारायण लाल जी शर्मा प्रिंसिपल हुआ करते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तू पहलवानों के परिवार से है, नेशनल खेल लिया तो तू घमंड मत कर। और इसी प्रार्थना स्थल पर उन्होंने कहा कि 50 डिप्स पुशअप मुझे लगा के बता। तब आज से 38 साल पहले मैंने इस मंच पर 50 पुशअप लगाई थी। आज मुझे वो गुरुजी स्वर्गवासी हो गए, आज वो वाक्य याद आ गया। आज मैं 56 साल का हूँ, क्या मैं आज भी 38 साल बाद भी 11 क्लास का स्टूडेंट हूँ और आप में से एक हूँ? आप मेरा हौसला बढ़ाएं जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। देखिए आज 17 साल का 50, जोरदार तालियां। 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, भारत माता की। Thank you.
जिसके घर आईना नहीं होता, जिसके घर आईना नहीं होता, चार घर पर यकीन करो चार घर पर यकीन करो लेकिन चार घर की खुदा नहीं होता, चार घर की खुदा नहीं होता, दो हर कोई आपसा नहीं होता, उसको खुद का पता नहीं होता, जिसके घर आईना नहीं होता। थैंक यू सो मच।